ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। राज्य में मराठा आरक्षण रद्द करने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसमें भी वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख एडवोकेट बालासाहेब आम्बेडकर ने कहा है कि जब तक राज्य के 182 श्रीमंत विधायक इस मुद्दे को लेकर आवाज नहीं उठाते तब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल सकता। महाराष्ट्र में 288 में से 182 श्रीमंत मराठा विधायक है। इन श्रीमंत विधायकों ने अपने रिश्तेदारों को राजनीति में लाकर निर्धन मराठा सहित अन्य सभी को व्यवस्था से बाहर रखा है। ऐसे 182 श्रीमंत मराठा विधायकों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जब 182 श्रीमंत मराठा विधायक निर्धन मराठा नागरिकों के हित में आरक्षण को लेकर आवाज उठाएंगे तब ही मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है, अन्यथा निर्धन मराठा को आरक्षण को भूलना पड़ेगा। इस प्रकार का स्पष्ट प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख एडवोकेट बालासाहेब आम्बेडकर ने व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के श्रीमंत 182 मराठा विधायक यह निर्धन मराठों के लिए लड़ते नहीं है। इन निर्धन मराठों ने श्रीमंत विधायकों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, अन्यथा उन्हें आरक्षण का विषय भूलना चाहिए। इस प्रकार का प्रतिपादन भी एडवोकेट बालासाहेब आम्बेडकर ने किया है। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये 288 पैकी 182 आमदार हे मराठा समाजाचे आहेत। हे सर्व आमदार श्रीमंत आहेत, एकमेकांशी नात्यागोत्याचे संबंध आहेत, नात्यागोत्याचं राजकारण करतात आणि इतरांना येऊ देत नाही अशी परिस्थिती आहे। गरीब मराठ्याने आरक्षण मिळावं म्हणून लढा उभा केला, तो आता कोर्टात आहे। श्रीमंत मराठ्याची सत्ता असताना सुद्धा गरीब मराठ्याच्या बाजूने तो लढत नाही ही परिस्थिती आहे। माझं आव्हान आहे गरीब मराठ्याला की त्यांनी त्याचा लढा केल्याशिवाय त्याला आरक्षण मिळणार नाही। पाहूया गरीब मराठा हा श्रीमंत मराठ्याच्या विरोधात लढायला उतरतोय का। तो उतरला तर त्याला आरक्षण मिळेल, तो उतरला नाही तर त्यांनी आरक्षणावरती पाणी सोडावं।